बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है जिसमें 14,000 ग्रामीण सड़कों में खामियां बताई गई है। संजय जायसवाल ने ठेकेदार इंजीनियर नेता की मिली भगत से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया के मझौलिया प्रखंड के सड़क निर्माण पर भी सवाल खड़े किए। आरोप है कि थवैया सिकैया सड़क निर्माण में धांधली बरती गई है। बिना सड़क निर्माण के ठेकेदार को 95 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि बाढ़ का बहाना बनाकर ठेकेदार ने 95 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। सड़क निर्माण में जुड़े ठेकेदार और ब्रजेश कुशवाहा पर धांधली का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क सितंबर 2019 तक बननी थी, लेकिन इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। संजय जायसवाल ने ग्रामीण कार्य विभाग से मामले की जांच कराने की मांग की है। यहां आपको बता दें कि ठेकेदार ब्रजेश कुशवाहा आरएलएसपी नेता है और पश्चिम चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने। संजय जायसवाल ने ही उन्हें चुनाव में हराया था। तो अब ये लेटर लिखा गया है सहयोगी पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसकी सहयोगी पार्टी की तरफ से। और साफ तौर पर संजय जायसवाल ने ये लिखा है इस पत्र में कि कई गड़बड़ियां की गई हैं निर्माण कार्य को लेकर, सड़क निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं। ठेकेदार इंजीनियर और नेताओं की मिली भगत इसे बताया गया है। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के सड़क निर्माण पर भी सवाल खड़े किए हैं। थवैया सिकैया सड़क मार्ग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी है संजय जायसवाल ने, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्या लिखा चिट्ठी में हम आपको बता रहे हैं। आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर छपी है कि 14,000 ग्रामीण सड़कों में खामियां पाई गई हैं। इस खबर को आपके संज्ञान में ला रहा हूं। सड़कों का गुणवत्ता मानक उसे पूरा नहीं किया गया है, इस तरह का आरोप लगाया गया है संजय जायसवाल की तरफ से। तो सीधे सीधे नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इंजीनियर्स नेताओं की मिलीभगत की बात कही है संजय जायसवाल ने। और सवाल यह भी है कि सहयोगी पार्टी होकर चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है, सीधे बातचीत नहीं हो रही है क्या? सत्ताधारी दल का हिस्सा है और उसके बावजूद चिट्ठी लिखी है। हम इस समय उसी सड़क पे खड़े हैं जिसको लेकर सवाल उठाया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से सांसद, पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल ने। ये सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, थवैया से सिरकहिया तक की सड़क है। 4.312 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसको लेकर ही सवाल उठा है। 5 वर्ष तक इसको कहें कि मरम्मत का काम इस पे होना था। और विशेष बात यह है कि कल इसको लेकर सवाल उठे, कल वो पत्र सामने आया, आज ही सड़क पे अब काम लग गया है। और यहाँ पे जो कहें कि रोलर चलने लगा है, मिट्टी और कुछ इसमें गिट्टी, ये मिट्टी और गिट्टी का मिश्रण जो है इसको दबाया जा रहा है, इसको सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पत्र लिखा गया उसके बाद से ही, और ये भी बात सामने आ रही है कि इस सड़क को बनाने वाले या इस सड़क के जो ठेकेदार हैं वो एक नेता ही हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं इस इलाके से। और विशेष बात ये है कि जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि 95 लाख रुपए 2018 और 19 के बीच में, 2019 में 15 जनवरी को 45 लाख से ज़्यादा रुपए इसके लिए निकाल दिए गए, फिर उसके बाद 22 फरवरी को 18 लाख से ज्यादा रुपए इस सड़क के लिए दे दिए गए, लेकिन ये सड़क बनी नहीं। और ये कहा गया कि 95 लाख रुपए 2017 से 18 के बीच में बंदर बांट कर लिया गया, जो अभियंता हैं या कहें कि जो इंजीनियर हैं उनकी मिली भगत से, लेकिन अब इस सड़क पे काम लग गया है, ये लोग काम कर रहे हैं। कब से काम लगा है? अभी हाँ। अभी 4 बजे भोर से लगा है। 4 बजे भोर से रात में कहा गया काम? अब तो हम तो नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते तो ये कह सकते हैं 4 बजे सुबह में ये काम लगा है और 4 बजे से काम करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, सुबह में लगा हुआ है। तो सुबह में काम लगा है, इससे पहले इस सड़क, ये सड़क बनी थी जी, उसके बाद टूट गई, 95 लाख रुपए 2 साल में खत्म हो गए। बाढ़ आया था यहाँ, तो कहते बाढ़ आता नहीं, आपके सांसद जो कह रहे हैं बाढ़ आ रहा है, पूरा
फ्लैंक कट गया था बाढ़ में। बाढ़ में फ्लैंक कट गया था। अच्छा, तो बाढ़ में फ्लैंक कट गया, उसके बाद भी पैसा लिया गया, 5 साल तक इसको रखना है, जो मरम्मत करना है, तो आपके ठेकेदार साहब आए हुए क्या? आ रहे हैं, अभी बोले थे कि आ रहे हैं हम। अच्छा, ठेकेदार साहब आएंगे, कौन है ठेकेदार इसका? ब्रजेश कुशवाहा। ब्रजेश कुशवाहा वो नेता भी है? जी नहीं। नेता नहीं है? जी नहीं। ब्रजेश कुशवाहा है जो इसके ठेकेदार हैं। और जेसीबी मशीन और तमाम तरह की चीजें, अब सोचिए कि क्या स्थिति है कि एक जो यहाँ के लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि 4 बजे काम लग गया जो मशीन चला रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं सुबह काम लगा। अगर कोई भी काम लगा है, लेकिन इस तरह का सवाल अगर उठाना पड़े, इस तरह की चीजें करनी पड़े, तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। और यहाँ आगे हम देखते हैं कुछ लोग हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पे हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं आगे चल के। किस जो बड़ा सवाल यही है कि जो सड़कों को लेकर, या कहें कि ग्रामीण सड़कों को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग है, उसके तरफ से काम करवाया जाता। और हाल ही में हमारी बात हुई थी जो वहाँ के मंत्री हैं या सचिव हैं, दोनों लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें हैं वो पूरी तरह से बनी हुई हैं, उसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं। लेकिन ये समस्या जब उठाई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, तब साफ तौर पर है कि अब इस पर काम लग गया है, तो किस तरह से ये सरकार है, किस तरह की चीजें हैं, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कहा जाए कि एक्शन में आए हैं जो सरकार है या यहाँ का प्रशासन है। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरह सब सड़कों पे सवाल उठाया जाएगा, क्या तभी ये सड़कें बनेंगी? क्या व्यवस्था है, या कहें कि प्रशासन के पास कितनी ताकत होती है, किस तरह की चीजें होती हैं जब सवाल उठता है, जब अपने ऊपर आती है, तो यही नजारा एक तरह से कहें देखने को मिलता है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, मझौलिया, बेतिया। चलिए आगे बढ़ते बात बेतिया की करेंगे, जहां पर थवैया सिरकहिया सड़क के ठेकेदार और आरएलएसपी नेता ब्रजेश कुशवाहा ने कहा है कि सड़क बनाने के लिए 95 लाख रुपए मिले हैं, अभी भी विभाग के पास 15 लाख रुपए बकाया है। वही ठेकेदार ने कहा है कि पहले मिट्टी और पुलिया का काम हुआ और बाढ़ की वजह से काम रोक दिया गया था, अब फिर से काम शुरू किया गया। ब्रजेश कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। ब्रजेश कुशवाहा है जो जिन्होंने वो सड़क बनाई थी थवैया सिरकहिया की, और ये कहें कि अभी सड़क बनी नहीं है, क्या मामला है? जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कहें कि आप जिनसे चुनाव हारे हैं, उन्होंने एक सवाल उठा दिया, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि जांच होनी चाहिए। देखिए, इस तरह का कोई उसमें बात नहीं है, रोड अभी प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। काम चल रहा था तब तक बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, लगातार बारिश चला, काम कुछ दिनों तक बाधित रहा। जब जैसे पानी हटा, काम शुरू हो गया, जो काम अभी चल रहा है रनिंग। काम तो ये बताया गया कि आज रात से शुरू हुआ, 4 बजे रात से? नहीं, काम पहले से ही चल रहा है, वहाँ के पब्लिक पहले कुछ मिट्टी डाली गई थी, वहाँ पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, रोड जो बात चल रहा है, रोड एक दिन में नहीं बनता है, रोड बनाने में टाइम लगता है, वहाँ के पब्लिक या मटेरियल देखने से पता चलता है कि क्या काम हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये बताइए कि 2018 से कहा गया 95 लाख रुपया निकाला गया है, जो इस साल दो बार में जो काफ़ी राशि है, कहीं 60 लाख से ज़्यादा रुपया निकाला गया, तो क्या मामला है? देखिए, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, जो वर्क हुआ है वर्क डन के अनुसार पेमेंट होता है। अच्छा, अभी ये बताइए क्या 95 लाख रुपये वहाँ से आया है? हाँ, 95 लाख का पेमेंट हुआ है, लगभग 15 से 20 लाख और अभी हमारा निकल रहा है उसमें। अच्छा, जो रनिंग बिल लेकिन सड़क तो एक बार बनी भी नहीं, अभी लगभग आधा किलोमीटर में सड़क में काम हो रहा है, और वहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना कि इससे पहले कभी सड़क बनी नहीं थी। ना, सड़क तो कच्ची सड़क थी, तो उसी का टेंडर होता है पक्की करने के लिए। तो 2018 से अभी तक कैसे चल रहा है? पूरा मिट्टी फिलिंग हुआ, GSB हुआ, पुलिया उसका 18 में बन गया था, पुलिया सब कम्प्लीट है, एक RCC पुलिया का ऊपर स्लैब बाकी था जो क्षतिग्रस्त हो गया बारिश से, तब उसका काम चल, बनाया जाना है उसको, कब तक उसका काम पूरा बनाने का टाइम उसका जो प्राकलन के अनुसार था उसका समाप्त हो चुका है 9वें महीने में नहीं, लेकिन कारण था कि उस समय तक पथ बनाते समय पानी का सीजन आ गया, फ्लड एरिया है, इस कारण डिले हो गया। हाँ, पानी तो वहाँ लोग बताते हैं कि पानी वहाँ आता है, सिकरहना नदी कोई है बगल में, उसका पानी आता था, पानी इस बार भी आया था, पानी आया था, उसको जो नदी है, नदी ऊपर बिग देता है, उस पर उस पार में तो नाव चल रहा था, इस पार में लगभग 2 फीट पानी उस पर चढ़ा हुआ था, अब पानी कुछ दिन रुकने के कारण काम डिले हो गया,
काम। एक चीज और बताइए, क्यों सवाल आपके ऊपर उठ रहा है, क्यों जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आप चुनाव हारे, आखिर क्यों सवाल इतना गंभीर उठा रहे हैं? देखिए यह पॉलिटिकल मामला है, कोई भी चुनाव लड़ता है अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई भी बोलता है ई लोकाई, लेकिन उस तरह का मानसिकता सभी प्रत्याशी को नहीं रहता है। मान लीजिए पूरे देश में चुनाव हुआ, इस तरह का अभी तक कहीं न्यूज में हम लोग नहीं सुने जो किसी कोई प्रत्याशी दूसरे के प्रतिद्वंदी के बारे में बोले। अच्छा, इनका अपना नियत है। तो कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया बेतिया। तो आज से बिहार यात्रा की शुरुआत।